नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो वीडियो भी एमपी रोजगार पंजीयन से संबंधित वीडियो ही लेके आए हैं। तो हम आप सभी को बता दें एमपी रोजगार पंजीयन में आप सभी के लिए जिनके दो दो पंजीयन हो गए थे उन सभी के लिए अच्छी खबर है। तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जिनके दो पंजीयन हो गए हैं तो उनके लिए क्या अच्छी खबर है। तो चलिए हम एक पंजीयन अपने दो पंजीयन आपको एक एक करके खोल के दिखाएंगे। तो चलिए हम अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन होते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारे द्वारा रोजगार पंजीयन से जब भी कोई नई न्यूज आती है हमारे द्वारा इसका वीडियो तुरंत बना के दे दिया जाता है। जी देखिए, ये हम आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो रहे हैं। इसके बाद हम रोजगार पंजीयन में जाएंगे। थोड़ा सा सर्वर इशू है, जैसे ही पेज खुलेगा तो हम बताते हैं। ये देख सकते हैं इसमें एक नया ऑप्शन इन्हें चालू कर दिया, पंजीयन निरस्त करें। तो यदि आपके दो पंजीयन हो गए हैं तो दो में से आप एक पंजीयन को निरस्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे दो पंजीयन हो चुके थे, ये हम अपने पंजीयन को रिन्यूअल करने की कोशिश किए थे तब ये एक पंजीयन हो गया था और इस पंजीयन को अभी हमने कहीं भी नहीं लगाया। तो इस पंजीयन को हम चलिए निरस्त करते हैं। हम यहाँ पर निरस्ती का रीज़न डाल देते हैं। तो अगर आपके दो पंजीयन हैं और उनमें से आप एक पंजीयन को निरस्त करना चाहते हैं तो इनके पोर्टल में अभी ये सर्विस चालू कर दी गई है। तो चलिए हम अपने इस पंजीयन को निरस्त करते हैं। पहले हम इसको नोट कर लें ताकि आपको हम दिखा सकें कि सर्च ऑप्शन में निरस्त करने के बाद ये दिखाता है कि नहीं। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और अगर आपके दो पंजीयन हो गए हैं और आपने एक फॉर्म में कोई सा लगा दिया दूसरे फॉर्म में कोई सा लगा दिया है तो आप पंजीयन को अपने निरस्त नहीं करें, क्योंकि रोजगार पंजीयन पोर्टल से आपके पंजीयन को निरस्त नहीं किया जाएगा। जब आप खुद निरस्त करेंगे तो ही आपका पंजीयन निरस्त होगा। तो यदि आपने ये गड़बड़ कर दी है कि कहीं पर कोई पंजीयन कहीं पर कोई पंजीयन, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनके पोर्टल से तब तक पंजीयन निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक आप खुद उसको निरस्त नहीं करते। तो चलिए हम अपने इस पंजीयन को निरस्त कर देते हैं। रोजगार, इसके बाद हम हाँ कर देते हैं। पंजीयन सफलतापूर्वक निरस्त किया गया। जी, हमारा पंजीयन निरस्त हो चुका है। अब हम अपने इसी आईडी पासवर्ड से फिर से इसको लॉगिन होके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा पंजीयन पूरी तरीके से निरस्त हो चुका है। अब ये हमको फिर से नए सिरे से पूरा फॉर्म भरने दे रहा है। तो जिसके भी पंजीयन में मूल निवास की जगह नहीं या मूल निवास हाँ हो गया है तो आप अपने पंजीयन को निरस्त करके नए सिरे से अपना पंजीयन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये फिर से पेज खुल गया है और पूरी डिटेल भरने के लिए हमको फिर से बोल रहा है और हमारे पंजीयन को इसने निरस्त कर दिया गया है। तो अब हम इसको सर्च रजिस्ट्रेशन में और आपको दिखाते हैं कि रजिस्ट्रेशन सर्च होता है कि नहीं। तो यदि आपके दो पंजीयन हो गए हैं तो अपने में से आप एक पंजीयन को अपने निरस्त कर सकते हैं। किसी के पंजीयन में मूल निवासी हाँ हो गया नहीं हो गया तो आप अपने पंजीयन को निरस्त करके दोबारा बना सकते हैं। इनके पोर्टल में ये सर्विस चालू कर दी गई है। हम यहाँ पे अपना जो पंजीयन निरस्त किए हैं उसको हम देखते हैं सर्च करके कि हमको अब दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये पंजीयन अभी हमने जस्ट आपके सामने निरस्त किया है। ये देखिए, ये हमारा पंजीयन निरस्त हो गया है तो ये अब यहाँ से हमको नहीं दिखा रहा है। तो इनके पोर्टल में अब ये सर्विस चालू कर दी गई है। तो आपके यदि दो दो पंजीयन हो गए हैं और उनमें से आप यदि एक पंजीयन को निरस्त करना चाहते हैं तो आप पंजीयन को अपने निरस्त कर सकते हैं।
तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और लाइक बटन पर भी हमारे वीडियो पे जरूर क्लिक कर दिया करिए। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए आप निखिल कंप्यूटर जबलपुर से, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।